हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 1 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, कोई बैंक एग्ज़ाम हो, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी, नाबार्ड, यूपीएससी, पीसीएस एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये हमें हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कहता है वेल्थ क्रिएशन द इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे का जो ये चैप्टर है, ये बात करता है कि हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, और वो वेल्थ जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें जो है इनविजिबल हैंड चाहिए। और इस चैप्टर में इनविजिबल हैंड किसको बोला गया है, ये बोला गया है मार्केट की ओपननेस को, और कहा है कि उन इनविजिबल हैंड को सपोर्ट मिलना चाहिए बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर जो है, ये शुरू होता है तमिल साहित्य की कुछ कोट से, जिसमें एक कोट है कि मेक मनी, देयर इज़ नो वेपन शार्पर देन इट टू सर्व द प्राइड ऑफ योर फोर्स। यानी कि अगर हमें हमारे दुश्मनों से बदला लेना है तो पैसा कमाओ, इससे ज़्यादा बेहतर हथियार कुछ भी नहीं है उनके सामने अपना प्राइड शो करने का, उनको झुकाने का। तो कहता है कि अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है एक डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर रहा है। यानी हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी पे एक टाइम पे हमारा ऑलमोस्ट 3/4 जो है जो डोमिनेंस था वो किसका था, वो इंडिया का था। और उस दौरान हमारी जो मार्केट थी वो इनविजिबल हैंड्स पे जो है ज़्यादा रिलाय करती थी वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो इनविजिबल हैंड को, जैसे मैंने बताया, ये बात करता है इनविजिबल हैंड का, यहाँ मतलब क्या होता है, ओपननेस इन द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और इसको हैंड ऑफ ट्रस्ट इन्होंने क्या बोला कि जो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं वो इथिकल होनी चाहिए। तो ये कहता है कि हम जो है वेल्थ क्रिएशन पे जो इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये जो वेल्थ क्रिएशन हम इस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन जो कि 1991 में आया था, तो उसके बाद से लिबरलाइजेशन के बाद से जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, मार्केट ओपननेस हुई, तो जो है इंडिया में वेल्थ लगातार क्रिएट हुई है। तो ये जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इसने बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी थी, अगर हम बात करें 1850 के अराउंड तक, अगर 1850 के अराउंड तक देखें, तो इंडिया जो है वर्ल्ड की जीडीपी का ऑलमोस्ट 30% जो है ये कवर करके रखा हुआ है। और उसके बाद देखें तो जो है हमारा जो हिस्सा है वर्ल्ड इकोनॉमी में, शेयर्स में, वो लगातार कम हुआ है। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो अभी हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं चाइना को बात करें तो आज के टाइम पे चाइना जो है वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने की फिराक में है, और यूएस जो है वो ऑलरेडी जो है वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर चुका है। यानी वहाँ जो है वर्ल्ड मार्केट में यूएस का हिस्सा कहीं ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि जब हम वेल्थ क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे इंडिया की जीडीपी बल्कि पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ेगी। तो जो अगर हम बात करें जीडीपी की तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने 1991 के बाद लिबरलाइजेशन लेके आए, ओपननेस लेके आए, तो हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो लगातार जो है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ हमारी पर कैपिटा इनकम भी लगातार बढ़ रही है। तो अगर हम करें बात वेल्थ क्रिएशन की, जब वेल्थ क्रिएशन हुआ, जीडीपी बढ़ी, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी, तो जो सैलरीज है एम्प्लॉय की वो भी लगातार बढ़ी है, और साथ ही साथ जो है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी लगातार बढ़ा है। उसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे जैसे वेल्थ क्रिएट होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो एक्सपोर्ट होता है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, जो एक्सचेंज रिवेन्यू है वो भी ओवरऑल जो है वो भी इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ जो है वेल्थ क्रिएट होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को सैलरी मिलती है, इनकम होती है, तो उससे हमारे पास जो क्या है, डायरेक्ट टैक्स का जो है वो भी इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है।
अगर हम बात करें वेल्थ क्रिएशन थ्रू द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, यानी ये क्या कहता है कि अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है एक इकोनॉमी में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम जो है राइट पॉलिसी लेके आएँ, यानी ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जो जो है ओपन मार्केट को सपोर्ट करती है और जो है इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ये कहता है कि जब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें पास्ट के भी, तो जो जिस जिस कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है या फिर वेल्थ क्रिएट किया है, तो वो लोग जो है उन लोगों ने इनविजिबल हैंड मार्केट को, यानी मार्केट की ओपननेस को कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा दिया है। और यही सारे एविडेंसेस इंडिया में भी हम 1991 के बाद से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने इकोनॉमिक ओपननेस को बढ़ाया, वैसे वैसे इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा हमारी ओवरऑल एग्रीगेट पे भी और विद इन सेक्टर्स पे भी। जैसे हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि अगर हम देखेंगे जैसे चैप्टर नंबर सेकंड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हम एग्जांपल लेंगे उसमें, और उसमें यह बताया गया है कि 1991 के पास जहां हम देख सकते कि सर्विस सेक्टर की कोई जगह ही नहीं होती, वहीं आज के टाइम पे जो सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसने जो है मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो यानी कि जब हमारा इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट्स इनेबल होता है तो उससे ओवरऑल मार्केट ही नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी नहीं, बल्कि सेक्टर्स में भी जो है वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, जब ओपननेस होगी तो बेहतर रिसोर्सेज का एलोकेशन हो सकता है। क्योंकि बेहतर रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होता है कि सिटीजन्स के पास जो है चॉइस होती है कि वो जो है उनके पास चॉइस होती है कोई भी सर्विस खरीदने की या कोई भी चीज़ बेचने की। तो जो इस चैप्टर में बात करी गई है कौटिल्य की, कौटिल्य ने भी जो है बताया है पास्ट में कि रोल ऑफ प्राइसेस क्या है, किसी भी इकोनॉमी में रोल ऑफ प्राइसेस कैसे है। कौटिल्य कहते हैं कि जो हमारे वेल्थ की रूट होती है किसी भी इकोनॉमी में, तो वेल्थ अगर हम किसी इकोनॉमी में वेल्थ जनरेट रहती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, मार्केट ओपन रहती है, तो वो इकोनॉमी ग्रो करती है, अदरवाइज वहाँ पर क्या होते हैं मटेरियल डिस्ट्रेस हो जाता है। तो इसके लिए कौटिल्य कहते हैं कि एक किंग को जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है ऐसे जो सारे उनको इकोनॉमिक फ्रीडम देनी चाहिए और जितने भी उनकी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करने में, वो सारी ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर हम एंशियंट इंडिया की प्रोस्पेरिटी की बात करें तो वहाँ पर एंशियंट इंडिया जो है इतना प्रोस्परस कैसे था कि तो वहाँ पर जो की कंट्रीब्यूटर थे इंडियन इकोनॉमी के, वो दो चीज़ें थी, एक तो इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हम इंटरनल ट्रेड को देखें तो जो हमारे हाईवेज थे उत्तरापथ या जैसे नॉर्दर्न रोड उसको बोलते हैं, दक्षिणापथ यानी सदर्न रोड थे, तो ये दोनों जो रोड थे ये इंडिया को हेल्प करते थे टू कनेक्ट विद इन इंडिया एंड टू द सब कॉन्टिनेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें कि जब हमारा जो जीडीपी है, जैसे प्राइवेट सेक्टर आने के बाद यानी प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो है हमारी जीडीपी कैसे बढ़ी है, अगर हम ये चीज़ देखें तो जो अगर हम जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई यानी 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आई, जो कि पहले जैसे 1980s में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ख़त्म होने के बाद 1991 में न्यू प्राइवेट बैंक आए, तो उनका जो है मार्केट में शेयर ज़्यादा हुआ और ओवरऑल हमारी जीडीपी बढ़ी। अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें कि अगर जहां जिन सेक्टर्स में हमने ओपननेस को बढ़ावा दिया है, जहां ग्रोथ रेट बढ़ी है और वैसे सेक्टर को कंपेयर किया गया है जो कि गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड रखे गए हैं, तो हम देख सकते हैं अगर स्टील सेक्टर जो कि ओपन सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर जो कि ओपन सेक्टर है, अगर हम उसकी ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो वो जो हमारे कोल सेक्टर है जो कि हमारी गवर्नमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट के द्वारा कैप्चर है, तो वो उस सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है स्टील और सीमेंट सेक्टर में। ऐसे ही अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो माइनर पोर्ट जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और वही मेजर पोर्ट जिन पे कि सरकार का स्वामित्व है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ग्रोथ रेट है वो माइनर पोर्ट्स की ज़्यादा है, यानी यहाँ भी हम देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा है। और अगर हम कार्गो वॉल्यूम की बात करें तो भी जो मेजर पोर्ट्स है वहाँ पर क्या है,
जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है हमारी, वो ग्रोथ रेट जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। अगर हम बात करें जो है फ्राइट ट्रैफिक की, अगर रोड्स की या रेलवे सेक्टर की बात करें, जब हम रोड सेक्टर की बात करते हैं तो क्योंकि जो है रोड जो है ओपन है, तो वहाँ पर जो है मार्केट में ओपननेस होने की वजह से वहाँ पर जो ग्रोथ हुई है लगातार वो बढ़ी है। वहीं जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे क्लोज सेक्टर होने की वजह से, वहाँ पर गवर्नमेंट का वर्चस्व होने की वजह से वहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। ऐसे ही जब हम बात करें अगर पैसेंजर ट्रैफिक की भी बात करें तो भी हम देख सकते हैं कि रेलवे अभी भी जो है कितना पीछे है बजाय कि रोड्स के, यानी कि रेलवे जो है अपनी यूटिलिटी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो यानी अगर ये जो सारी फिगर्स हमने देखी हैं, ये सारी फिगर्स क्या कहती हैं, इन सारी फिगर्स के थ्रू जो है इकोनॉमिक सर्वे कहना चाहता है कि हमें जो है मार्केट में ओपननेस को बढ़ाना चाहिए, हैंड ऑफ ट्रस्ट लेके आना चाहिए मार्केट में, ओपननेस को बढ़ाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में जो है ये सारी फिगर शो करती हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है वहाँ वहाँ जो है अभी हम उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे, वहाँ प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो अगर ये फिर बात करता है, जो सर्वे का चैप्टर वन है वो क्या करता है, वो हमारे आने वाले हर चैप्टर्स का जो है हमें ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि हम किस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये बात करता है इंस्ट्रूमेंट फॉर द वेल्थ क्रिएशन के लिए, यानी कि चैप्टर वन बात करता है वेल्थ क्रिएट करनी है, और उसके बाद चैप्टर टू से लेकर चैप्टर टेन तक हमारे ये बात करते चले जाते हैं कि आखिर वो जो वेल्थ क्रिएट करनी है वो वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। तो जब वेल्थ क्रिएट होगी तो हम देख सकते हैं कि जो GDP है, यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड जब वेल्थ क्रिएशन की बात करता है तो वेल्थ क्रिएशन की बात वो ग्रास रूट लेवल पे करता है, यानी यहाँ जो GDP की बात हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे GDP की बात हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो वहाँ की जो GDP भी है वो भी बढ़ती चली जाती है। और साथ ही साथ ये देखा गया कि जब वेल्थ क्रिएट हो रही है, यानी मार्केट में जब ओपननेस आ रही है, तो नई फर्म्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में हमने 500 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, तो जब हम 500 डिस्ट्रिक्ट्स पे देखते हैं कि कहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हुई है, तो हम ये देख सकते हैं कि नए फर्म्स का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो इंडिया में जो है वो हर जगह स्कैटर्ड है, यानी कहीं भी ये जो है फिक्स नहीं है, हर जगह इसका जो है नई फर्म्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है इंडिया की, वो हर जगह ग्रोथ हो रही है, चाहे हम साउथ पार्ट की बात करें, चाहे हम नॉर्थ पार्ट की बात करें, ईस्ट की करें या वेस्ट की बात करें। दूसरा क्या कहता है कि जब हमने नई फर्म जो क्रिएट की, अगर हम नई फर्म्स क्रिएट की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी बात करते, तो ये कहता है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10% नई फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो GDP है वो जो है 1.8% बढ़ जाती है। और वर्ल्ड बैंक के जो डाटा है वो बताते हैं कि इंडिया में 2014 के बाद से जो फर्म्स का रजिस्ट्रेशन है, यानी नए फर्म्स की क्रिएशन है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो फर्म्स की क्रिएशन है उनकी ग्रोथ रेट क्या है, जो 2006 से 2014 के बीच जो ग्रोथ रेट हमारी 3.8% रही है, वहीं अब 2014 से 18 के बीच में बढ़ के 12.2% हो गई है। और इनका रिजल्ट क्या निकला, इनका रिजल्ट ये निकला कि जहां 2014 तक हमारे पास 70,000 फर्म्स का क्रिएशन हुआ था, वहीं 2018 में ये जो क्रिएशन था ऑलमोस्ट 80% बढ़ गया, और ये जो हमारे पास नई फर्म्स का संख्या कितनी होगी, 1,24,000 नई फर्म्स का रजिस्ट्रेशन देखा गया ड्यूरिंग 2018। तो अगर हम इस फिगर में बात करें, तो अगर हम ये देखें कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया कहाँ पर नई फर्म्स का क्रिएशन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि जो साउथ इंडिया है वहाँ नई फर्म्स का क्रिएशन सबसे ज़्यादा हुआ है। वहीं जो हमारा
वेस्ट इंडिया है, सेकंड नंबर पे वेस्ट इंडिया में हुआ है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ इंडिया में हुआ है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ओवरऑल इंडिया में ग्रोथ होती चली जा रही है। फिर ये चैप्टर बात करता है कि अगर हमें इंडिया को $5 trillion की इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए हमें प्री क्रोनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है ख़त्म करना है और प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए इन्होंने एग्जांपल लिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स का। तो ये एग्जांपल कहता है कि जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1986 के अंतर्गत आया था, उसके बाद से 5000 का माइलस्टोन अचीव करने में इसको अक्टूबर 99 तक का यानी ऑलमोस्ट 13 साल लगे और उसके बाद ये डिवाइड कर दिया गया 2018 तक इन जो सेंसेक्स के माइलस्टोन्स के फेजेस को डिवाइड कर दिया गया फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री में। फेज़ वन जो कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ के बारे में बताता है, वहीं फेज़ टू स्लो डाउन के बारे में और फेज़ थ्री जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिवाइवल के बारे में बताता है। तो फेज़ वन में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमने 15,000 से 20,000 का माइलस्टोन अचीव किया सिर्फ कुछ महीनों के अंदर। उसके बाद 2008 की मंदी के बाद जो है स्लो डाउन की जो इकोनॉमी स्लो डाउन आया उसका इफ़ेक्ट जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़ा और ओवरऑल जो है हमारा स्लो डाउन का फेस आता है और 25,000 के माइलस्टोन अचीव करने में हमें ऑलमोस्ट 7 साल लग जाते हैं। वहीं 2014 के बाद जो है रिवाइवल का फेज़ आया, यानी उसके बाद जो है माइलस्टोन जो अचीव करने में जो हमारे पास लगने वाला टाइम है वो टाइम जो है कम होता चला गया। अगर हम बात करें फेज़ थ्री की तो हम देख सकते हैं कि जो 30,000 का माइलस्टोन अचीव हमने कर लिया था अप्रैल 2017 के अंदर और वहीं 40,000 का हमने कर लिया था 2019 जून में। तो यानी हमें अप्रोक्सीमेट सिर्फ 2 साल लगे 30,000 से 40,000 का माइलस्टोन अचीव करने में। यानी कि जब हमने प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ को बढ़ावा दिया, प्रो क्रोनी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में पॉलिसी बनाई, उनको ख़त्म किया, नई फर्म्स आई, मार्केट में रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपटीशन बढ़ा, इनोवेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, तो जो हमारे इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी देखा गया। तो उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर बात करता है क्रिएटिंग जॉब एंड ग्रोथ बाय स्पेशलाइजिंग ऑफ एक्सपोर्ट इन नेटवर्क प्रोडक्ट। ये कहता है यानी जो हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अब वो जो वेल्थ है हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें बताया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है एक चैप्टर जो कि ये बताता है कि इंडिया को अगर अपनी जॉब्स की जो इनकी मतलब जॉब अगर उनको अपनी बढ़ानी है, जॉब क्रिएट करनी है, जीडीपी को ग्रो करना है, तो एक सेक्टर जिस पे इंडिया काम कर सकता है वो है एक्सपोर्ट इन नेटवर्क प्रोडक्ट। यानी अगर हम मेक इन इंडिया के साथ साथ अगर हम असेंबल इन इंडिया करना भी शुरू कर दें तो 2025 तक हम 4 करोड़ एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और 2030 तक वहीं हम 8 करोड़ जॉब जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वहीं चैप्टर 6 बात करता है इम्प्रूविंग ease of doing business in India। ये चैप्टर बताता है कि ease of doing business में इंडिया ने जो है वो पिछले सालों जो है बहुत ही बेहतर काम किया है, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ बढ़ी है। और अगर इसमें हम वर्ल्ड बैंक की ease of doing business रैंकिंग की बात करें तो जहाँ हमारी रैंकिंग 2014 में 142 थी, वहीं हमारी रैंकिंग 2019 में जो है वो हो गई है 63। यानी हमारे यहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि जो इंडिया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है 1 of the 10 इकोनॉमिक जिन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। वहीं चैप्टर नंबर 7 बात करता है गोल्डन जुबली ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन टेकिंग स्टॉक। यानी ये बात करता है कि जब जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है वो शुरू हुआ 1969 के अंदर, हमने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, वहीं 1980s में हमने 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया,
तो जो हमने नेशनलाइजेशन की प्रोसेस 1969 से जो है शुरू की थी, 2019 में उसके 50 साल कवर हो गए। तो इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया इस पे कि बैंक नेशनलाइजेशन होने के बाद इंडिया ने क्या अचीव किया और क्या कमियां हमारे यहाँ रही। तो ये चैप्टर हमें ओवरऑल ये बताता है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल टॉप 100 बैंक्स की रैंकिंग की, तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो रैंक, मतलब इंडिया का जो बैंक है वो अकेला एक SBI बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि ग्लोबल टॉप 100 में आता है, और वो भी 55th पोजीशन पे। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के जो है फर्स्ट 4 बैंक जो ग्लोबल टॉप 100 की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक पे हैं, वो चारों के चारों बैंक जो हैं वो चाइना के हैं। और उनका जो साइज है, अगर हम बात करें जो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक है, लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड है, वो कौन सा है, वो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। और ये इसका जो साइज है, ये जो है पांचवा और छठा बैंक जो कि 5th लार्जेस्ट बैंक जापान का है और 6th लार्जेस्ट बैंक USA का है, तो उनके साइज से भी 2 गुना ज़्यादा है। और अगर ये कहते हैं हम 2024 to 25 तक अगर हम $5 trillion की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो हमारे जो है कम से कम भी 8 बैंक जो हैं वो ग्लोबल टॉप 100 रैंकिंग में आने चाहिए। और ये फिर बात करता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका जो मार्केट में शेयर है, वही मार्केट में शेयर 70% है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इनका इंडिया की इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में अगर हम इनकी हिस्सेदारी देखें, तो वो जो है वो कहीं कम है। यानी ये अपनी एबिलिटी का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें ये कंपेयर किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को न्यू प्राइवेट बैंक से, जो कि लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद जो है अस्तित्व में आए, तो उनके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं और ये बताते हैं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वहाँ पर NPA की प्रॉब्लम जो है वो कैसे बढ़ रही है। और अगर हम ग्रोस NPA की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑलमोस्ट 7.4 लाख करोड़ जो है ग्रोस NPA है। अगर चैप्टर 8 की बात करते हैं तो चैप्टर 8 बात करता है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी इन द NBFC सेक्टर। यानी ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन सेक्टर में उनकी फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी के बारे में बताता है। यानी जब कोई चेंज हम करते हैं तो वो कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं या कितने वल्नरेबल हैं वो उस फाइनेंशियल रिस्क के। तो इस सेक्टर में बताया गया है शेडो बैंकिंग सिस्टम के बारे में। यानी जो हमारा बैंक जो काम तो करते हैं बैंकों जैसे, लेकिन वो बैंक नहीं होते, तो वो सेक्टर जो है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है ओवरऑल, तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में ये बात करता है कि NBFC सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि इनकी ओवर डिपेंडेंसी होती है। ये जो है ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले लेते हैं, और जबकि इनकी जो एसेट्स होती हैं, यानी ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लॉन्ग पीरियड का लोन होता है। तो जो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से जो NBFC सेक्टर है वो कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वहीं चैप्टर 9 जो है इसने इसकी थीम है प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। यानी कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को इतना सपोर्ट किया है और इसके सपोर्ट में ये जो है इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन के बारे में, जो कि कहता है कि कैसे जब प्राइवेटाइजेशन होता है तब वेल्थ क्रिएट की जाती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत दो जो है सेंट्रल PSUs का एग्जाम्पल्स लिया गया है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एग्जाम्पल लिया गया है, एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो ये कहते हैं जब 2019 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो अपने स्टॉक्स हैं उनको बेचेगी, अपनी इक्विटी शेयर्स को बेच देगी और स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है अपने जो शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देगी, तो हम देख सकते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है आफ्टर अनाउंसमेंट जो भारत जो BPCL है उनके जो स्टॉक प्राइजेज है वो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं, और ये जो इक्विटी वैल्यू एकदम से इंक्रीज होकर ये पहुंच जाती है 33,000 करोड़ की। यानी कि इतना मुनाफा जो है शेयर्स में देख
देखा गया, यानी ये ओवरऑल जो है इंडिया की जीडीपी, इंडिया की ग्रोथ में 33,000 करोड़ रुपए जो हैं और ज़्यादा जुड़ गए एज़ कम्पेयर टू HPCL, जहाँ पर जो स्टॉक वैल्यू है वो भी पहले भी इतनी थी और अब भी उसमें कोई खास फर्क नहीं देखा गया। तो ये चैप्टर ओवरऑल बात करता है कि प्राइवेटाइजेशन को हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और ऐसी फर्म्स जो कि बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं वहाँ गवर्नमेंट को धीरे धीरे अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना चाहिए और स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। अब स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है। स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर खत्म कर रही है किसी कंपनी से, पर्टिकुलर कंपनी से, और 51% से जो है अपना शेयर वो कम कर रही है और साथ ही साथ जो है उस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। फिर ये चैप्टर बात करता है द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ दिस मिलेनियम, यानी ये कहता है कि हमें सिर्फ जो है मार्केट में ओपननेस की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें जो है उस इनविजिबल हैंड के लिए मोरल हैंड भी होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। ये कहते हैं क्योंकि जो मार्केट है वो बेस ही इसी थ्योरी पर होती है कि वो सारा जो काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो जो ट्रस्ट होता है किसी भी मार्केट में वो ट्रस्ट जो है वो पॉजिटिवली काम करता है, अपना फंड जो है अपनी फाइनेंशियल हम उसको कह सकते हैं कि फिनांस लेके आने में या फिर फंड लेके आने में, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, चाहे फॉर्मल की बात करें या हम इनफॉर्मल तरीके से, तो दोनों तरीके से जो है वो ट्रस्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो जब हम ये देखें कि अगर हम एंशियंट की बात करते हैं किसी सोसाइटी की, तो वहाँ पर भी ये सर्वे कहता है कि ट्रस्ट इसमें बताया गया है कि जब हम एंशियंट फिलोसफी की अगर हम बात करते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक सोसाइटी में जो है ट्रस्ट को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो सर्वे कहता है ट्रस्ट एज अ पब्लिक गुड दैट गेट्स इन्हांस्ड विद ग्रेटर यूज़, यानी ये कहता है कि ट्रस्ट एक पब्लिक गुड की तरह है जो कि जितना उसको यूज़ करते चले जाते हैं उतना ही वो एनहांस होता चला जाता है। और अगर ये इसको हम जोड़ सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी कि अगर हम जो है किसी एक बंदे पे हम ट्रस्ट करते हैं तो जो हम उसके साथ सब कुछ अपना अपनी बातें अपनी चीज़ें सब कुछ हम शेयर कर लेते, तो ऐसे ही मार्केट का भी है, यानी हमें जो अपनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको इथिकली वे में परफॉर्म करना चाहिए ताकि जो है मार्केट में ट्रस्ट बना रहे और जो है फिनांस जो है या जो पैसे हैं मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट हो वो बेहतर तरीके से हो सके। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, तो ये कहता है कि अगर हम देखें 2011 के तक अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सबसे अपने लोवेस्ट पॉइंट पर था और 2013 के बाद जो है इंडिया की जो रैंक है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है इस इंडेक्स में। अगर हम 2019 की बात करें तो इंडिया की रैंक 80 है इस पोजीशन में और स्कोर हमारा 41 है, यानी अभी भी हम मोर करप्ट कंट्रीज़ में हैं लेकिन पहले से हम जो है बेहतर पोजीशन में हैं। फिर अगर कनेक्टेड फर्म्स के इंडेक्स की बात करें जो कि एम्बिट कैपिटल लेके आते हैं, तो ये कहता है कि जब से हमने 2011 के बाद से जो है कनेक्टेड फर्म्स का जो इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी मार्केट में ओपननेस बढ़ रही है और जो सिर्फ कुछ कंपनीज का जो वर्चस्व होता था वो जो है ख़त्म होता जा रहा है। यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2013 से लगातार जो है हमारी रैंक में सुधार होता चला जा रहा है, वहीं 2011 में हम सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन पे हम वही होते हैं। वहीं अगर हम कनेक्टेड फर्म्स की बात करें तो जो कनेक्टेड फर्म्स हैं यानी ये फर्म्स जो अगर हम बात करें जैसे जो पर्पल लाइन से शो हो रही हैं तो ये बताता है जो ओपन मार्केट में जो ओपनली जो फर्म्स काम करती हैं, और वहीं जब प्राइवेटाइजेशन नहीं आया था और
और उससे पहले अगर हम बात करें या फिर जब डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी आने शुरू हुई थी तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो कनेक्टेड फर्म्स का जो इंडेक्स है वो लगातार गिरता जा रहा है, यानी कि मार्केट में नई फर्म्स आ रही हैं और जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन हो रहा है और इसका ओवरऑल बेनिफिट जो है वो कस्टमर को मिल रहा है। साथ ही साथ ये सर्वे क्या कहता है, ये सर्वे कहता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट एज ए पब्लिक गुड है तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले ट्रस्ट जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, मतलब कि यानी कि जो सिटीजन होते हैं वो उस ट्रस्ट को एंजॉय कर पाते हैं, उसके बेनिफिट को एंजॉय कर पाते हैं और उसके लिए उन्हें कोई अलग से फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। दूसरा ये बात करता है कि जो ट्रस्ट होता है वो नॉन राइवल कंजप्शन उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी ये कहता है कि जब ये ट्रस्ट को हमें सिटीजन्स तक पहुँचाना है, इसकी सप्लाई करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कोई मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नहीं देनी पड़ती, वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो होती है। साथ ही साथ जो ट्रस्ट है वो नॉन रिजेक्टेबल है, यानी कि ये जो है सिटीजन्स से को इसकी जो सप्लाई जो है वो कलेक्टिवली इसकी सप्लाई होती है हर सिटीजन्स को और ये जो ट्रस्ट है इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी ट्रस्ट को जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी जो है डिफाइन किया है और इस बुक में ये बताया गया है कि जो गुड गवर्नेंस होती है, अगर हमें मतलब कि अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना होता है तो जो हमें जो है गुड गवर्नेंस को जो है वो इंक्रीज करना होता है, लेके आना होता है, तो इसके लिए को इन्होंने बताया है कुछ ब्रांचेस के बारे में इसमें बताया गया। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्होंने बोला वर्ता, वहीं त्राई यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बोला है, यानी बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल्स इसमें दिए हैं। तो साथ ही साथ जब हम अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर नंबर जो 11 है वो थालिनोमिक्स के बारे में बात करता है, यानी वो ये बताता है कि हम अगर जो कॉमन मैन है उनको जो है फूड अगर टाइमली मिल जाता है और कम प्राइसेस में मिलता है तो भी वो वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। जब कॉमन मैन को जो है कम कीमत पर उनको खाना मिलेगा, यानी उनको अपने पैसे जो है कम खर्च करने पड़ रहे हैं, वो सेव कर लेंगे चीज़ों को, तो यानी कि मार्केट में ओवरऑल जब पैसा होगा वो बैंकों में जाके डिपॉजिट करेंगे और फिर बैंक्स जो हैं वो जो है प्राइवेट सेक्टर में लैंड कर सकते हैं, नई फर्म्स का रजिस्ट्रेशन उससे हो सकता है, नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, ओवरऑल इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नई नई जॉब्स भी मिलेंगी और साथ ही साथ कंज्यूमर को फायदा होगा, नई टेक्नोलॉजी इससे आएंगी और ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो अब जब हम बात इस लेक्चर सीरीज़ के की शुरुआत हम करेंगे और आने वाले चैप्टर्स में हम हर चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।